myself और मुझे पता है कि बच्चों को नहलाना जो है वो आसान काम तो बिल्कुल नहीं होता है। स्पेशली अगर आप एक न्यू पेरेंट्स हैं तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे हेजिटेशंस आते हैं, हमें लगता है कि गलती से हम हमारे बच्चों को हर्ट तो ना कर दें या बच्चों के आंखों में पानी ना चले जाए या फिर सही टेक्निक्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं बच्चों को नहलाने का। अगर आप भी एक नए पेरेंट्स हैं एंड आपके मन में भी ये सारे ही सवाल हैं एंड आप बहुत कन्फ्यूज हैं तो आज का वीडियो जो है वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आज एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या स्टेप बाय स्टेप टेक्निक जिसको यूज़ करके आप अपने बच्चों को बहुत आसानी से जो है वो नहला सकते हैं एंड आपको इसके बाद जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय गाइस, व्हाट्स अप, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मॉमी टॉकीज के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमृता और मैं वीडियोज बनाती हूँ बेबी के टिप्स पे, प्रोडक्ट्स में, मेरे पर्सनल व्लॉग पे एंड फैशन पे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने न्यू बॉर्न बच्चों को किस तरीके से बहुत आसानी से नहला सकते हैं। एंड दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि बच्चों को नहलाने से पहले कुछ ऐसे प्रोसेस है या फिर मैं आपको बोलूंगी टेक्निक्स हैं या प्रिकॉशंस है जिसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही अगर आप स्पेशली अगर आप एक न्यू पेरेंट्स हैं तो उसके बाद ही आप बच्चों को नहलाएं। वो प्रोसेस क्या है पहले आइए उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर वन दोस्तों, जब आप बच्चों को नहलाना शुरू करें तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप अपने बच्चों को नहलाएं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है बच्चों के मामले में हाइजीन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके हैंड्स वॉश रहेंगे तो बच्चों के लिए यहाँ पे हाइजीन जो है वो मेंटेन रहेगा। नंबर टू जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो बच्चों के सेफ्टी से रिलेटेड है, जो कि इक्वली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कि आप कभी भी नहलाने के टाइम पे अपने बच्चों को अनअटेंडेड जो है वो ना छोड़िए, मतलब अकेला ना छोड़िए। नंबर थ्री जो पॉइंट है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको ध्यान से सुनना है। स्टार्टिंग के फेज में बच्चों का जो नेक होता है वो स्टेबल बिल्कुल नहीं होता है, मतलब उनके नेक पे उनका कंट्रोल जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो पूरे इस प्रोसेस के दौरान जब आप अपने बच्चों को नहला रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको अपने हाथों से बच्चों को नेक सपोर्ट जो है वो देना है, ताकि उनका नेक जो है वो यहाँ पे गिरे ना और बच्चों को बिल्कुल भी हार्म ना हो। इस बात का स्पेशली आपको पूरे बच्चों को नहलाने के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नंबर फोर पॉइंट भी यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने बच्चों को नहला रहे होते हैं तो ट्रस्ट मी, नहाने का ऐसा टाइम होता है जब बच्चों का सेंसेस का डेवलपमेंट भी होता है। तो ये एक स्पेशली ऐसा टाइम है जब पेरेंट्स एंड बच्चों की बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज होती है। मैंने हमेशा से आपको यही बोला कि जब आप बच्चों को मसाज कर रहे होते हो या फिर जब आप बच्चों को नहला रहे होते हैं, ये परफेक्ट टाइम होता है पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच की बॉन्डिंग को इंक्रीज करने का। तो आपको क्या करना है, जब आप बच्चों को नहला रहे हो तो आपको बच्चों से कंटिन्यूसली जो है वो बात करते रहना है। आप उनको स्टोरी सुनाइए, आप उनके लिए सॉन्ग गाइए या फिर कुछ अच्छी म्यूजिक्स लगा दीजिए, एनीथिंग, मतलब आपके बच्चों को जो भी ज्यादा पसंद है आपको वो करना है। नंबर फाइव भी पॉइंट यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप डायरेक्टली उनके सर पे पानी जो है वो नहीं डाल सकते हैं। उससे होता क्या है, अगर आप डायरेक्ट वाटर उनके सर पे डालेंगे या हेड पे डालेंगे, इससे बच्चे ऑब्वियसली जो है वो ब्रीथ यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बच्चे अपना बाथ टाइम जो है वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, हाथों से पानी लेकर के जो है वो इनिशियल फेज में आपके बच्चों के हेड या हेयर को जो है वो वॉश करना है। नंबर सिक्स पॉइंट है कि अगर आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करानी है तो आप ये इंश्योर कीजिएगा कि ब्रेस्ट फीड कराने के बाद, तुरंत बाद, आप अपने बच्चों को ना नहलाएं। उसे हो क्या सकता है, नहलाने के दौरान बच्चे हो सकता है कि वॉमिट कर दे या स्पिट अप कर दे। तो आपको क्या करना है, अगर आपने ब्रेस्ट फीड किया है तो आप आधे घंटे रुक जाइए या फिर बच्चों को नहलाने के बाद आप ब्रेस्ट फीड दीजिए, ताकि आराम से नहलाने के बाद वो उसका पेट जो है वो भर जाए और वो आराम से सो सके। नंबर सेवन पॉइंट भी यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है कि जो आप पानी यूज करेंगे उसको आपको लूक वार्म वाटर जो है वो यूज करना है, चाहे समर्स हो या विंटर्स हो। समर्स में तो आपको लूक वार्म वाटर ही यूज करना है, विंटर्स में आप हल्का सा गर्म पानी भी जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को नहलाने से पहले ही बेथिंग एसेंशियल्स जो है वो आपको एकदम रेडी कर लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर बाथटब में आप बच्चों को नहलाना चाहते हैं तो अपने बाथटब को रेडी कर लीजिए, बच्चों के टाल को रेडी कर लीजिए, इंश्योर कीजिए कि बच्चों का सोप जो है वो रेडी हो। इनफैक्ट आफ्टर बाथ बच्चों के जो एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि डायपर हो गए, बच्चों के क्लोथ हो गए, बच्चों के टाल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी है कि आप एकदम रेडी रखिए, ताकि इमिडिएटली जब बच्चों को आप नहला करके बाहर आए तो आप उनको आराम से रैप कर सके एंड उनको
तैयार कर सके। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि आपको एक राइट सोप या फिर राइट शैम्पू जो है वो यूज करना है बच्चों को नहलाने के लिए। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे सोप होते हैं जो टीयर फ्री नहीं होते हैं, जिससे बच्चों की आंखों में जलन हो सकती है, या फिर शैम्पू होते हैं जो बच्चों के बालों के लिए सही नहीं है। आपको बेस्ट बेबी प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करने हैं। हमने हमारे बेटे के लिए जो है वो सीबामेट सोप या सीबामेट शैम्पू जो है वो यूज किया था उसको नहलाने के दौरान पे। इनफैक्ट आज भी हम हमारे बेटे आयांश को सीबामेट सोप या फिर सीबामेट शैम्पू से ही नहलाते हैं, जो कि हमें बेस्ट मिलता है और हमारे बेबी को बेस्ट रिजल्ट भी मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने बच्चे को नहलाना चाहते हैं या फिर नहलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने हमारे बेटे आयांश को नहलाया था, जब साथ ही साथ हम सारे स्टेप्स और बाकी के प्रिकॉशंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। So he's my son Ayansh who is 1.5 months old now. इसी को हम नहला करके दिखाएंगे, इन सारे ही स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आइए जल्दी से नहाने का प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं बाथ टब यूज कर रही हूँ वो है बेबी हग का बाथ टब, जो कि हमने स्टार्टिंग के फेज पे आयांश के लिए यूज किया था। एंड यहाँ पे आपको बाथ टब के साथ साथ जो है वो बेदर भी मिलता है। आपको एक बात का जो है वो ख्याल रखना है, जब आप बेदर अपने बच्चों के लिए यूज करेंगे तो क्योंकि स्टार्टिंग के फेज में बच्चों का स्किन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इमीडिएटली प्लास्टिक पे आप उनके स्किन को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक कपड़े को बिछा दिया है, एक कॉटन के कपड़े को बिछा दिया है ताकि बच्चों बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल यहाँ पे ना रहे। उसके बाद हम यहाँ पे नहाने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर ले। तो यहाँ पे आयांश को नहलाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पैरों को जो है वो वॉश करेंगे। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि बालों से या फिर बच्चों के हेयर से अगर आप शुरुआत करेंगे तो इसमें बच्चे जो है वो अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। यहाँ पे हमने सीबामेट सोप जो है वो यूज किया है। तो यहाँ पे हम सोप को क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हाथों में ले लेंगे, हल्का हल्का रब करेंगे एंड उसको फिर अपने बेबी के लेग्स थाइस पे जो है वो लगा देंगे, कुछ इस तरीके से जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया है। यहाँ पे आयांश की दादी क्या कर रही है, बहुत ही हल्के हाथों से आपको करना है, प्रेशर जो है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सो आयांश की दादी जो है वो हल्के हल्के साबुन जो है वो यहाँ पे लगा रही है। एंड यहाँ पे नॉर्मल कटोरा जो है हमने यूज़ किया है, क्योंकि बच्चों को पानी डालने के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहना चाहिए, तो हम नॉर्मल कटोरा जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ताकि पानी का जो प्रेशर है वो बहुत सिंपल हो। तो यहाँ पे आयांश का लेग वॉश करने के बाद हमने उसको पानी से रिंस कर लिया है। उसके बाद हम आयांश की स्टमक का जो एरिया है, चेस्ट का जो एरिया है, वो हम क्लीन कर रहे हैं। जनरली गले के एरिया में क्या होता है, बच्चों का दूध जो है वो इकट्ठा हो जाता है एंड हमने वहाँ पे पानी डाल करके, साबुन डाल करके अच्छी तरीके से वॉश कर दिया। अब हम स्लोली स्लोली आयांश के हैंड्स की तरफ जाएंगे। यस, आयांश की मतलब बेबी का फिंगर्स भी क्लीन करना इक्वली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि आयांश की दादी बहुत ही हल्के हाथों से और बहुत ही कम मात्रा में साबुन यूज करते हुए आयांश का स्टमक के एरिया और आयांश के हैंड्स को जो है वो क्लीन कर रही है। एंड जैसे जैसे वो साबुन लगा रही है, वैसे वैसे ही वो साबुन को उनकी बॉडी पे छोड़ नहीं रही है। इमिडिएटली उन्होंने पानी से जो है वो उस एरिया को रिंस कर दिया है। इसका रीजन ये है, कई बार साबुन जो है वो कई बार बच्चों के स्किन में ज्यादा देर तक रह जाता है, तो बच्चों को यहाँ पे इरिटेशन होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो इमिडिएटली हमने यहाँ पे वॉश कर दिया। उसके बाद हम आयांश का फेस जो है वो यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं बहुत ही हल्के हाथों से, मतलब हल्के हाथों से साबुन जो है वो लगाया है, इतना कि आपको वीडियो में भी इतना क्लियरली यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने साबुन लगाया है और बहुत ही हल्के हाथों से, मतलब डायरेक्ट पानी तो फेस पे यहाँ पे बिल्कुल नहीं डालना है, उंगलियों का इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना है। एंड उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए हम आयांश को यहाँ पे नहलाएंगे एंड अगेन उसमें भी हम हल्का सा पानी डाल करके उसको जो है वो वॉश कर देंगे, जैसे कि ने आपको वीडियो में दिखाया। बहुत ही मुश्किल पार्ट होता है कि बच्चों का बैक हम कैसे वॉश करें, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो बेदर है इसमें बैक का ऑप्शन नहीं है। तो आयांश की दादी ने उसको हाथों पे उठा लिया है एंड कुछ इस तरीके से आयांश का बैक जो है वो क्लीन कर रही है। तो यहाँ पे हमने पहले जो साबुन लगा लिया है एंड साबुन लगाने के बाद बहुत ही हल्के हाथों से हम आयांश का बैक जो है वो यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं एंड इमिडिएटली जैसा कि मैंने आपको बताया हम पानी से यहाँ पे रिंस भी कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों को नहलाने के टाइम पे आपको ये एंश्योर करना है कि एटलीस्ट बच्चे का जो नेक होता है वो थ्रू आउट द टाइम सपोर्टेड रहे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, आयांश की दादी ने वन हैंड को यूज करते हुए आयांश के नेक को सपोर्टेड रखा हुआ है। क्योंकि ये सीबामेट का सोप जो है वो बहुत ही लाइट है, तो आयांश की दादी ने यहाँ पे उसके बालों को क्लीन करने के लिए भी इसी सोप को इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहें तो बच्चों के जो माइल्ड शैम्पू आते हैं उसको भी यूज करते हुए कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बहुत ही हल्के हाथों से
पानी को इस्तेमाल करते हुए हेड को हमने वॉश किया हुआ है। डायरेक्ट पानी जो है वो बच्चों के सर पे यहाँ पे बिल्कुल नहीं डाला है। डायरेक्ट अगर डालेंगे आप तो बच्चे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। बट जैसा कि आपको देखिए यहाँ पे हमारा बेटा आयांश जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है अपना बेदिंग टाइम, एंड थ्रू आउट द टाइम वो बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं हुआ है। उसने थ्रू आउट द टाइम जो है वो अपना बेदिंग टाइम जो है वो एंजॉय किया है। दोस्तों कई बार बच्चों के कान के पीछे हम अच्छी तरीके से साफ नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बच्चों की उंगलियों को इस्तेमाल करते हुए बच्चों का कान भी जो आप अच्छी तरीके से यहाँ पे साफ कर दीजिएगा। एंड यू इस तरीके से आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो नहला सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम वापस से पानी जो है वो डाल दे रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि सोप जो है वो उसकी बॉडी से अच्छी तरीके से निकल गया है। बच्चों के जेनिटल एरिया को भी आपको बहुत ही हल्के हाथों से जो है वो क्लीन करना है पानी के इस्तेमाल करते हुए। इंश्योर कीजिएगा कि सोप वहाँ पे ज़्यादा आप ना डालें। सो गाइज ये था सारी टेक्निक, सारे स्टेप, सारी मेथड जिसको यूज करके बहुत आसानी से आप अपने बच्चों को जो है वो नहला सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगी आपको यहाँ पे टेंशन जो है वो बिल्कुल नहीं लेना है। नहलाने का टाइम जो होता है वो बच्चे और पेरेंट्स के बीच की बॉन्डिंग को इंक्रीज करने का काम करता है। एंड कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही कहते हैं। जितना जल्दी आप अपने बच्चों को नहलाना शुरू करेंगे, जितनी बार आप अपने बच्चों को नहलाएंगे उतना ही आप परफेक्ट हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जितना भी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज था बच्चों को नहला के बारे में मेरे पास मैं आपके साथ शेयर कर पाई। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो दोस्तों तो हमेशा की तरह मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। दोस्तों मैं आपके साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इसी तरह के वीडियोज जो है वो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत प्यारे वीडियोज जो है वो बनाने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी पेरेंटिंग एंड बाय बाय।